चलन पर सब गाय के दूर करेगी। अच्छा, तो ये जैसा कि मैं बता रहा था कि दोस्तों ये बहुत ही इन्होंने अच्छी तरह से बताया कि क्या क्या प्लेसेस यहाँ पे घूमने के लिए है, और आपको कुल्लू मनाली आना चाहिए, विजिट करिए। और ये अलग अलग टोपी जो बता रहे थे, ये मलाना की टोपी है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। ये आप एक बार खुद से थोड़ा थोड़ा बताएँगे, मतलब कि जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये मलाना का कैप है जी। हाँ जी, हाँ जी, सबसे फेमस है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा ये ज़्यादातर वाला ये ग्रीन वाला। अच्छा, तो ये अलग अलग टोपी जो बता रहे हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी टोपीज हैं। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, कुल्लू में आइए और इन ओरिजिनल टोपी को ले लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में रहता है ना मार्केट में आपको डुप्लीकेट भी दे देते हैं, ये ओरिजिनल मिलेगी आपको यहाँ पर आके, जैसे कि ये लोकल है यहाँ से बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके दोस्तों। तो मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कुल्लू मनाली आइए, और ये जो आजकल फूड क्राफ्ट का फेयर लगा हुआ है, इन सभी को आप परचेज़ करिए, आप गिफ्ट की तरह ले जा सकते हैं यहाँ से अपनी फैमिली के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया। और आप थोड़ा सा बता रहे थे मलाना के बारे में, वहाँ पर भी घूमने के लिए होगा। हाँ जी, मलाना बहुत जगह ऐसी जगह अनछुई जगह। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा अनछुई जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी, टूरिस्ट पहुँच नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा है जी, हर चीज़ वहाँ पे अच्छा। आजकल जा सकते हैं वहाँ पे? आजकल अब अप्रैल में से स्टार्ट जा सकते हैं। अच्छा जी, और वहाँ पे चंद्रखणी पास कुछ है वहाँ पे? आपको बाया नगर रूम से होकर के जाना पड़ेगा, वो शॉर्टकट है जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको बस से आपको मणिकंद होकर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, मणिकंद से बीच में एक शॉर्टकट है। हाँ जी, हाँ जी, और ये जैकेट वगैरह लगाई है ना आपने? अच्छा जी, ये दोस्तों लेडीज़ के लिए रहता है, आप सोविनियर ले जा सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छी जो इन्होंने एग्जीबिशन स्टॉल लगाया हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा हुआ आपका इनका इन्फॉर्मेशन लेकर। तो मेरा आप सभी से यही है कि कुल्लू आइए, विजिट करिए, और ज़रूर यहाँ पर आकर मतलब कि कुल्लू की टोपी और जो किन्नौर की टोपी, जो अलग अलग टोपी बताई, तो आप उन्हें परचेज़ करिएगा। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है जी। बस आगे चलते हैं और नेक्स्ट विजिट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आपका कुल भी ट्रेडिशन कल्चर जो भी है आप देख सकते हैं, ये सॉक्सेस वगैरह हैं, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। ये विंटर्स के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी रहती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कुल्लू मनाली में काफ़ी ज़्यादा विंटर्स रहती है, तो ठंड में यही काम आ जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सर कहाँ से हो आप? पटियाला से। अच्छा, अभी पहले भी आए इस बार कुल्लू में कभी? पहला आई थी 2 साल पहले, बंद था ना 2 साल। अच्छा, उन पहले भी आई थी। कितना है मौसम इधर था कुल्लू का? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है। अच्छा अच्छा, फिर तो तुसी कुल्लू दशहरा भी देखे होना सी, लाए सी स्टॉल शू लेते पहले भी? अच्छा, मौसम मौसम तो बढ़िया है, चंगा है इतने। अच्छा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया ये पंजाब से है,
ये मैम सारी कुल्लू की स्टॉल है, शॉल्स हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी हम कुल्लू एग्जीबिशन स्टॉल में हैं और ये सारे आपका कुल्लू की स्टॉल्स हैं। नहीं जी, ये स्टॉल्स हैं, ये मफलर्स हैं, ये मफलर्स हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, कुल्लू के स्टॉल मफलर वगैरह सभी फेमस रहते हैं। तो आजकल आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, आप कुल्लू विज़िट करिए और ये सब आप परचेज़ कर सकते हैं एज अ गिफ्ट भी। आप यहीं से हो लोकली? हाँ जी। दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हैं, कहाँ से हो मैडम आप? कहाँ से आए हो? मैंने कहा शिमला से। अच्छा, ये हैंडीक्राफ्ट का लगाया आपने? हाँ जी, खुद बनाई। ये खुद से बनाया आपने? ये पायरोग्राफी टूल है। अच्छा जी, उससे करते जी जी। प्लीज़ थोड़ा सा बताइए ना, व्यूवर्स हैं, मैं थोड़ा जी मैं बताना चाहूँगा इनको ना, व्यूवर्स के लिए कैसे ही रहता है। तो दोस्तों अभी हम हैंडीक्राफ्ट शॉप में हैं और ये शिमला से आए हैं। तो ये कुछ एक बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो दोस्तों मेरा भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कुल्लू विज़िट करिए और ये जो भी अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स हैं आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि सामने दोस्तों आपको बैम्बू प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो अच्छा, ये जो है ना, ये पायरोग्राफिक टूल बोलते हैं जी मैम। ये आप लगा के फिर इसमें ग्रेडिंग है ना, और इससे आप ऐसे करते हैं। अच्छा, इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा ना मैम फिर? हाँ, लगता है। और कभी कभी हाथ भी जल जाते हैं। अच्छा, काफी रिस्क रहता है। अच्छा, ये सब आपने खुद ही तैयार किया है ना, जितने भी हैं इसमें डिजाइनिंग वगैरह खुद ही करते होंगे आप? हाँ। ये कौन सा वुडन होता है मैम, ये जो यूज़ करते हैं आप? इसके लिए तो आई थिंक हार्ड करते होंगे यूज़ आप? हाँ, ये तो ये बोर्ड ना हमारे घर में वो लकड़ी का काम होता है जी मैम। फिर उसके बाद ये मिले थे, क्योंकि मैंने सोचा क्यों इनको वेस्ट हो गया जी, रिसाइकल करना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में ना। अच्छा, क्योंकि सॉफ्ट वुडन में आई थिंक ये ख़राब हो जाता होगा ना जब आप ये पेंट करते होंगे। अच्छा, तो और फिर ये हो जाने के बाद इसके ऊपर लैकर भी लगाना पड़ता है। अच्छा, लैकर की कोट लगाना पड़ता है इसके ऊपर। ये बहुत ही अच्छे बनाया आपने, थैंक यू।
ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों ये कितना अच्छे से इन्होंने ये इसे बनाया हुआ है। और आप कुल्लू विज़िट करिए और ये जो भी एग्जीबिशन में लगे हैं इस तरह के हैंडीक्राफ्ट वगैरह, आप प्लीज़ इन्हें परचेज़ करिए, एज अ सोविनियर एज अ गिफ्ट आप ले जा सकते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए। ये कुछ एक मेमोरीज़ होती हैं जो कल दिन आपको याद आती है, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों ये था इनके साथ छोटा सा इंटरव्यू, थैंक यू मैम। सर आप कहाँ से? गुजरात। गुजरात से? अच्छा ये सारा सामान गुजरात। अच्छा ये आपका प्रोडक्ट रहता होगा ये सारे जैकेट मतलब बैग्स वगैरह। बहुत अच्छी कारीगरी है सर इसमें, सब हाथों का काम है। अच्छा ये सारा प्योर हाथ से ही तैयार करते हैं? अच्छा तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया ये कारीगरी जो स्पेशली खुद ही वुडन पर जो और साथ में ये क्लोथ्स पे थी एग्जीबिशन में। हाँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे दोस्तों हैंड से तैयार की हुई चीज़ है। भैया ये सारा खुद हाथ से तैयार करते हैं ना आप लोग? कहाँ से हो आप? बिहार से हैं? अच्छा तो ये सारा खुद ही तैयार करते हो आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह? ये सब हैंडमेड, हैंडमेड है मतलब। ये बहुत अच्छे बनाया सर आपने ये। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे ज्वेलरीज जो हैं आप ये परचेज़ कर सकते हैं कुल्लू में आकर। और ये बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने, खुद से तैयार किए हुए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती हैं और काफ़ी पक्की भी चलती है ना दोस्तों, ड्यूरेबल होती हैं। और ये तो दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉल में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों और लेडीज़ के जो अलग अलग यहाँ पे सर आप कहाँ से हो? पंजाब से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये स्टॉल पंजाब से आए हैं भाई साहब अपने, तो ये उनकी स्टॉल है और काफ़ी अच्छी इन्होंने ये पंजाब की होगी ना सर ये सारी? हमारे खुद की तैयार की हुई है। अच्छा ये देखिए दोस्तों कुछ एक स्टॉल्स अभी तैयार भी हो रहे हैं, अभी इन्हें बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों अरे यार रुको, तो ऐसे दोस्तों बीच में व्यूअर्स भी आ जाते हैं परचेजिंग, अभी इवनिंग रहती है दोस्तों तो अभी काफ़ी लोग आते हैं परचेजिंग के लिए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब अदर स्टेट से भी आए हुए हैं, कोई पंजाब से है कोई यूपी से हैं और अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं लोग हैं। तो ये अपने अपने हैंडीक्राफ्ट्स जो भी इनके फेमस रहते हैं तो यहाँ पर लेकर आए हैं। और दोस्तों अब ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये देखिए दोस्तों लकड़ी से तैयार किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ये किस चीज़ के काम आता जी? अच्छा फ्रूट रख सकते हैं इसमें,
और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये छोटी सी गाड़ी बनाई हुई है, वुडन की है। अच्छा सारी बिक गई। अच्छा और क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास ये इसमें? अच्छा ये खुद से तैयार की होती है। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरती से ये चीज़ें बनाई गई है, ये सारी हैंडमेड है और काफ़ी ड्यूरेबल रहती हैं। तो अगर आप कुल्लू में आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अलग अलग एग्जीबिशन स्टॉल लगे हुए हैं और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप अलग अलग कारीगरी जो भी है कितनी खूबसूरती से तैयार की गई है। अच्छी हाथ से बनाया हुआ है, पीलो कवर है ये। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये खुद से इस पर डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों अलग अलग डिज़ाइन है यहाँ पे। इसमें बहुत टाइम लगता होगा ना हाथ से बनाने में? बहुत खूबसूरत बनाया जी आपने ये सारे, खुद से खुद ही बनाए होंगे ना आपने ये? अच्छा आप लोकल हो, बंजार से हो जी आप? अच्छा ये टोपीज वगैरह होंगी ना दोस्तों? ये था छोटा सा स्टॉल का जो मैंने ये आपको दिखाया कि आप कुल्लू आइए, विज़िट करिए और अलग अलग हैंडीक्राफ्ट जो आए हैं आप उन्हें एज अ सुविनर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ और जो भी है अभी देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे ये अलग अलग फ्लावर्स की वैरायटीज़ हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको घरों में सजावट का काफ़ी शौक़ है तो आप इस तरह के फूल्स वगैरह फ्लावर्स जो होते हैं डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं तो आपको ये परचेज़ करने चाहिए। और अपने घरों में डेकोरेशन काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों फ्लावर्स से आप समझते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे अब यहाँ पर इवनिंग में पब्लिक भी काफ़ी आ रही है और ये परचेजिंग के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये बनाए गए हैं यहाँ पे। हाँ जी सर कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, कहाँ पर? अच्छा कुल्लू में पहले भी आए थे? अच्छा कैसा लग रहा है कुल्लू, मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है? अच्छा ये सब आपने लगाया है? अच्छा यूपी से हो आप, बहुत अच्छी जगह है यूपी भी यार। अच्छा उससे अच्छा यहाँ पे लग रहा है कुल्लू में मन लग गया? पहाड़ी पहाड़ी है। अच्छा तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे स्टॉल में, देखते हैं और यहाँ पर और क्या क्या है। हर जगह दोस्तों ज़्यादातर ज्वेलरीज और इस तरह के ही प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों एक ये स्टॉल है यहाँ पे देख लेते हैं। Thank you.
मैं ठीक ठाक भी हूँ, मेरे साथ कोई तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आइए कुल्लू में विज़िट करिए, और कुल्लू में फूड एंड क्राफ्ट फेयर जो लगा हुआ है इसका भी इंजॉय करिए। और अगर आप परचेजिंग का काफ़ी शौक रखते हैं तो आप नए नए हैंडीक्राफ्ट्स और अलग अलग स्टेट से जो भी इतने प्रोडक्ट्स आए हैं तो उनको आप आराम से कुल्लू में आकर ही परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का कुल्लू फूड एंड क्राफ्ट फेयर का वीडियो। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स।